किसी भी अपराधी को सजा दिलवाने के लिए कोई भी व्यक्ति सबसे पहले कानून का सहारा लेता है, पुलिस वालों का सहारा लेता है और वह थाने पर जाता है सबसे पहले FIR दर्ज कराने के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर कोई भी पुलिस वाला उसका FIR दर्ज कराने से मना कर दे तो वह पीड़ित व्यक्ति कहाँ पर जाकर FIR दर्ज करवा सकता है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही भी बात करने वाले हैं कि अगर कोई भी पुलिस वाला उसका FIR दर्ज कराने से मना कर दे तो क्या उस पुलिस वाले को कोई सजा मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं हूं कुमार प्रदीप, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। CRPC की धारा 154 के अनुसार किसी भी घटना की सूचना पुलिस थाने में मौखिक या लिखित दोनों रूपों में दर्ज करवाई जा सकती है। यदि अपराध की सूचना मौखिक रूप से दर्ज करवाई जाती है तो FIR दर्ज करवाने वाला व्यक्ति अगर अनपढ़ है तो ऐसी स्थिति में थाना अधिकारी उस सूचना को दर्ज करने के बाद उसको पढ़ करके सुना देते हैं। यदि अपराध की सूचना लिखित रूप में दर्ज करवाई जाती है तो उस सूचना के नीचे सूचना देने वाले का अपना हस्ताक्षर करना चाहिए। यदि पुलिस थाने का अधिकारी FIR दर्ज कराने से इनकार करता है, मना है, तो अपराध की सूचना पुलिस अधीक्षक यानी SP के वहां आप भेज सकते हैं। FIR दर्ज करवाने वाले को FIR की एक फोटोकॉपी पुलिस द्वारा निशुल्क दी जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि राजनीतिक कारणों या किसी अन्य कारणों से पुलिस अधिकारी FIR दर्ज करने से इनकार कर देते हैं तो FIR दर्ज नहीं होने के कारण अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती है। ऐसी अवस्था में कोई भी व्यक्ति वकील से मिलकर परिवाद या इस्तगासे के द्वारा अपराध के खिलाफ सीधे कोर्ट के द्वारा कार्रवाई करवा सकता है। परिवाद या इस्तगासा पुलिस रिपोर्ट से अलग होता है। जब कोई व्यक्ति मजिस्ट्रेट से किसी अपराध के खिलाफ कार्रवाई करवाता है तो इसे परिवाद कहा जाता है। परिवाद लिखित या मौखिक हो सकता है। ऐसी रिपोर्ट जो पुलिस अधिकारी द्वारा किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हेतु CRPC की धारा 173(2)(1) के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है तो वह पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। पुलिस रिपोर्ट में पक्षकारों के नाम, गवाहों के नाम, अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं अन्य बातों का भी उल्लेख होता है। जब कोई मामला कोर्ट में कार्रवाई के लिए चला जाता है और उस मामले की सुनवाई शुरू हो जाती है तो इसे न्यायिक कार्रवाई कहा जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर थाने पर जाता है FIR दर्ज करवाने के लिए और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई पुलिस वाला उसका FIR लिखने से मना कर देता है, FIR दर्ज कराने से मना कर देता है तो क्या उस पुलिस ऑफिसर को कोई सजा मिलती है? तो दोस्तों उस पुलिस ऑफिसर को सजा जरूर मिलती है। IPC की धारा 166(a) के अनुसार कोई भी पुलिस ऑफिसर आपका FIR दर्ज कराने से मना नहीं कर सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो उसे 6 महीने से लेकर के 1 साल तक की जेल हो सकती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपने जाना कि FIR कैसे दर्ज करवाया जाता है, अगर पुलिस वाले FIR दर्ज कराने से मना कर देते हैं तो उन्हें सजा मिलती है या नहीं मिल सकती है, आज के इस वीडियो में आपने जाना। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो बेल आइकन को दबाएं जिससे मेरी वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।